नमस्कार, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत लाइफ साइंस का पहला और दूसरा मॉडल एक्टिविटी टास्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर। पहला, 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, माइटोकांड्रिया का मिटोकांड्रिया लिखा हुआ है, हम माइटोकांड्रिया ही बोला जाएगा। माइटोकांड्रिया का साफ डायग्राम बनाइए और नीचे दिए गए अंगों को चिन्हित कीजिए। क, इनर मेम्ब्रेन। ख, आउटर मेम्ब्रेन। ग, क्रिस्टी जंक्शन। ग, ऑक्सीजन। उत्तर देखते हैं। ये रहा आपका चित्र माइटोकांड्रिया का, और यहाँ से गोल करके एक जंक्शन को दिखाया गया है बड़ा करके। ऑक्सीजन ये है, ये देख रहे हैं आप इनर मेम्ब्रेन। ये रहा आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी है, और जबकि ये क्रिस्टी जंक्शन है। बहुत सारा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के आधार पर मोनरो प्लान और प्लांट राज्य में अंतर का वर्णन करें। मोनरो और प्लांट राज्य में अंतर आधार है सेल का प्रकार, सेलुलर ढांचा, इकोसिस्टम में इसकी भूमिका। इन तीनों के विषय, ये तीनों विषय हैं, इसके आधार पर हम दोनों में अंतर देखेंगे। सेल का प्रकार, मोनरो राज्य ये एक कोशिकीय होते हैं, प्लांट राज्य ये बहुकोशिकीय होते हैं। सेलुलर ढांचा, इनमें माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक असंगठित होता है। प्लांट राज्य, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और उन्नत केंद्रक युक्त कोशिका इसमें होता है। इकोसिस्टम में भूमिका, ये इकोसिस्टम में अपघटक डिकम्पोजर की भूमिका अदा करते हैं। ये इकोसिस्टम में उत्पादक की भूमिका अदा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। सार्क वर्ग के जीवों की 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखो। सार्क वर्ग के जीवों की 3 चारित्रिक विशेषताएं। मित्रों, आपने देखा है सार्क मछली को? देख लीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर भी, ये सार्क मछली है। इसी के बारे में प्रश्न है। सार्क वर्ग के जीवों की 3 चारित्रिक विशेषताएं। 465 जातियों वाली सार्क वर्ग के जीव की 3 चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, सूंघने की क्षमता। हमसे 10,000 गुना अधिक सूंघने की क्षमता इनमें होती है। इससे ये दूर से ही अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। दूसरा, बच्चों की संख्या। सार्क एक बार में एक या दो बच्चे को ही जन्म देती है। तीसरा, सार्क के दांत। सार्क के 100-200 नहीं बल्कि 3,000 दांत होते हैं। मजे की बात यह है कि इसका एक दांत भी टूट जाए तो वहां पर जल्दी ही दूसरा दांत आ जाता है। दांत तिकोने और तेज होते हैं। उत्तर पूरा हुआ। आगे, स्यूडोसिलोम युक्त एक जीव का नाम और प्रजातियों के वर्गीकरण की 2 विशेषताएं भी लिखें, जो कि आर्थ्रोपोडा वर्गीकरण के साथ कॉकरोच को शामिल करने से संबंधित है। प्रश्न जरा सा अस्पष्ट है, इसलिए हमने इंग्लिश प्रश्न को देखा। राइट द नेम ऑफ एन एनिमल हैविंग स्यूडो स्यूडो सिलोम एंड ऑल्सो राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिलम टू विच इट बिलोंग्स। तो यहाँ बोला स्यूडो स्यूडो सिलोम युक्त एक जीव का नाम, राइट द नेम एन एनिमल, तो उसका उत्तर है गोल्ड क्रीमी। तो स्यूडो सिलोम युक्त एक जीव का नाम क्या है? तो गोल्ड क्रीमी। और उसके बाद क्या गया, ऑल्सो राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिलम टू विच इट्स बिलोंग्स। ये जो गोल्ड क्रीमी है, जिससे समझती, जिस जाति से संबंध रखती है, उस जाति की 2 विशेषताएं बताना है। मित्रों, गोल क्रीमी नेमिटोड प्रजाति का होता है। इस प्रजाति की 2 विशेषताएं।
पहला शरीर की संरचना। इनका शरीर अखंडित लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है। दूसरा, परिवहन तंत्र एवं श्वसन तंत्र। इनमें रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए श्वसन का कार्य विसरण के द्वारा होता है। और जो आखिरी प्रश्न है, गिव टू रीजंस फॉर इंक्लूडिंग कॉकरोच अंडर फिलम आर्थ्रोपोडा। इसका उत्तर देखते हैं हम। तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा अर्थात संधिपाद प्राणी जगत का एक जीव है। इसके दो कारण हैं। पहला, इस प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का शरीर सिर वज और उदर में बटा रहता है। तिलचट्टा का शरीर भी सिर ब्रीज वज और उदर में बटा है। तो का करेंगे यहाँ पर का। दूसरा है, सिर पर दो संयुक्त नेत्र होते हैं। तो तिलचट्टा के सिर पर भी दो संयुक्त नेत्र होते हैं। इस तरह से तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का एक जीव है। ये दो कारण हुए, उत्तर पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव देह में विटामिन ए और विटामिन डी की भूमिका क्या होती है और विभाजन कला की विशेषताएं लिखो। तो ये तीन प्रश्न है। पहला है, मानव देह में विटामिन ए की भूमिका। पहला, मानव देह को प्रतिरक्षा प्रदान करने में अर्थात इन्फेक्शन रोकने में विटामिन ए इसका सर्वोत्तम स्रोत गाजर है की अहम भूमिका है। दूसरा है, इसकी कमी से अंधापन अर्थात विटामिन ए की कमी से अंधापन, आँखों में सूखापन, रूखे बाल, सूखी त्वचा, बार बार सर्दी जुखाम, थकान, कमजोरी, नींद न आना, रतौंधी, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसी कई परेशानियां झेलनी पड़ जाती है। इन सब से बचाने में विटामिन ए की अहम भूमिका है। ये तो रहा विटामिन ए की भूमिका मानव देह में। अब हम विटामिन डी की भूमिका देखेंगे। मानव देह में विटामिन डी की भूमिका। पहला, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को संश्लेषित कर हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर त्वचा विटामिन डी उत्पन्न करती है। इसका भंडारण शरीर में नहीं होता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में सहायक है। गिरा विटामिन डी की भूमिका हमारे देह में। और आगे है विभाजन कला, कला अर्थात उत्तक की विशेषताएं। यहाँ पर कला का मतलब उत्तक है, ठीक है। तो विशेषता है, पहला, इसकी कोशिकाएं जल्दी जल्दी विभाजित हो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। दूसरा, जड़ों तनों की लंबाई और मोटाई इनके कारण होता है। ये रहा आपका विभाजन कला की विशेषताएं। उत्तर पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं हम। तो मित्रों, पहला पेपर पूरा हो गया है। अब दूसरा पेपर के चार प्रश्न हम करने जा रहे हैं। पहला है, केंद्रक का एक स्वच्छ चित्र बनाकर निम्न भागों को अंकित करो। देखते हैं, दरअसल चित्र जब भी बनाएं तो इस तरह से बॉक्स बना दें। एक तरफ चित्र बनाएं, एक तरफ नाम लिखें जो हमने पहले मैंने किया था, और उसके बाद चित्र लिखकर केंद्रक का एक स्वच्छ चित्र जो भी चित्र बनाना उसका नाम हम नीचे लिख दें चित्र लिखकर, ठीक है। इसी तरह से माध्यमिक में बनाना है और नाइन में भी आप इसी तरह से बनाइए। यही तरीका है चित्र बनाने का, प्रस्तुत करने का। और चित्र पेंसिल से बनाना है, कलम से नहीं बनाना है। नाम भले आप कलम से लिख सकते हैं नंबर के हिसाब से। तो चलिए, अब उसका उत्तर आप देख ही रहे हैं। आपसे गोल करना है, फिर ये करना है, चारों आपका न्यूक्लियर झिल्ली बनाना है, फिर आपको रेसा ऐसा कर देना है। ये केंद्रक डॉट डॉट करेंगे तो न्यूक्लियस हो जाएगा, केंद्रिका, केंद्रक में से केंद्रिका। और ये आपका डॉट डॉट मतलब कि ये जल द्रव है, उस द्रव को बोला जाता है न्यूक्लियोला, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो रेशा जैसा देख रहे हैं न्यूक्लियर जाल है। तो ये का पहला का न्यूक्लियोप्लाज्म,
देख रहे हैं आप, चारों हो गया है। और ये केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस पूरा हुआ, ये नौ छूट गया था। तो चित्र केंद्र का एक स्वच्छ चित्र कर लीजिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, ये इपोडर्मिक रेटिकुलम है, पर आपको ये तो नाम नहीं लिखना है, जिसका ज़रूरत है चारों का लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जीवों के शरीर में प्रोटीन के महत्व को लिखो। दूसरा है संयोजी ऊतक का कार्य लिखो। जीवों के शरीर में प्रोटीन का महत्व, पहला प्रोटीन शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना करता है। दूसरा प्रोटीन एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करता है। तीसरा आवश्यकता अनुसार प्रोटीन से ऊर्जा भी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के प्रजारण से शरीर को 4.1 कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, संयोजी ऊतक का कार्य। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, जैसे कंडरा और स्नायु। दूसरा, यह शरीर को आधार प्रदान करता है, जैसे कि हड्डी। और तीसरा, यह शरीर के विभिन्न अंगों को पैक करता है, जैसे एरियोलर और एडिपोज। ये उत्तर पूरा हुआ मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, अनावृत बीजी होगा। अनावृत बीजी पौधों का दो पहचान करने की विशेषता को लिखो। तो अनावृत बीजी पौधे का दो पहचान, पहला है अनावृत बीजी पौधे में फूल फल नहीं होते हैं। अब ऐसा पौधा देखें जिसमें फूल फल ना हो, इसलिए इसमें बीज छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली नग्न अवस्था में होते हैं, और उनका बीज भी आपका कहाँ पर हो, शंकुओं में या टहनियों में लगा हो, जैसे साइकस है, चीड़ है, देवदार है इत्यादि के पौधे। तो इन्हें अनावृत बीजी पौधा कहा जाता है, ये पहचान है। दूसरा इनका पहचान है कि इनका जननांग पुष्प नहीं बनाते हैं, बल्कि शंकु के रूप में होते हैं। ये रहा दो पहचान। आगे निम्न विशेषताओं को जो प्राणियों के शरीर में है उनके आधार पर जाति का नाम लिखो। नीटोप्लास्ट, कोशिकाएं, कंप्लेट, ट्यूपा, इसका उत्तर देखते हैं। वैसे प्रश्न स्पष्ट नहीं है। विशेषताएं प्राणी और जाति। नीडोब्लास्ट कोशिकाएं ये किस प्राणी के हैं, हाइड्रा, और इनकी जाति है नीडोरिया नीडेरिया। कंप्लेट जेलीफिश, और ये टीनोफोरा। ट्यूपाद तारा मछली, इको इकानोडर्मस। मित्रों आप ये हाइड्रा जेलीफिश तारा मछली का चित्र आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी मेरे पास समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये सब देख लीजिएगा। उत्तर पूरा हुआ। अगला है, मानव शरीर के स्पिलन की स्थिति एवं दो कार्य के विषय में लिखो। मानव शरीर के स्पिलन की स्थिति कहाँ पर है मानव शरीर में? तो स्पिलन प्लीहा उदर के ऊपरी भाग में, पेट मतलब उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर अमाशय के पीछे स्थित रहती है। अब रहा दो कार्य, तो मानव शरीर में स्प्लेन के दो कार्य हैं। यह मानव शरीर के खून को फिल्टर करता है, छानता है, और दूसरा है अतिरिक्त खून की जरूरत हो, जरूरत को तत्काल पूरा करने के लिए स्प्लेन 1 कप के लगभग रक्त रिजर्व रखता है, ताकि जरूरत में दे सके शरीर को। ये रहा आगे, प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्व। दूसरा प्रश्न था साथ में ही, प्राणियों के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्व, इसका उत्तर देखते हैं। पहला है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक है। दूसरा, यह कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की संख्या को बनाए रखता है। तीसरा, यह संतति कोशिकाओं में क्रोमोसोम का वितरण अच्छी तरह से परफेक्टली प्रॉपरली अच्छी तरह से करता है। ये हुआ उत्तर पूरा। इसी के साथ लाइफ साइंस क्लास 9 का पहला और दूसरा पेपर का उत्तर पूरा हुआ। और न केवल यही, बल्कि मित्रों माजमी न्यूज़ डे के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा,
तो वहाँ पर क्लास 9 का ये आखिरी है, इसके पहले के सब वीडियो आपके मिल जाएंगे। गणित से लेकर सारा सातों सब्जेक्ट पूरा हुआ। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।